हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलिस्ता सिद्दीकी। अगर आपकी आंख में कोई भी भारी कण चला जाता है तो उसको निकालने का सही तरीका क्या है, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी आंख में किसी भी तरीके का बाहरी कचरा चला जाता है, जैसे लोहे का कण, मिट्टी का कण, बालू का कण या फिर लकड़ी का कण, या फिर आपकी आईज की आई लैशेज या कोई अन्य पदार्थ, कोई भी चीज आपकी आंख में जा सकती है। इस प्रकार का कोई भी कण अगर आपकी आंख में चला जाता है तो ये हमारी आंख में जाकर चिपक जाता है। जब हम बार बार अपनी पलकें झपकते हैं तो ये कण हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर सकता है। जब हम पलकें झपकते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी आंखों में कुछ बहुत ज्यादा तेजी से गड़ रहा है, या आपकी आंख लाल हो जाती है, आंख से लगातार पानी बहने लगता है, फॉरन बॉडी सेंसेशन होता है, पलक झपकने से डरने लगते हैं, आपकी आंख प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाती है। अगर आपके आंख में किसी भी प्रकार का कण अगर या फिर धूल मिट्टी का कण कुछ भी गया है तो आपने अपनी आंखों को रगड़ना नहीं है। गाइस, अगर आप अपनी आंखों को रगड़ लेते हैं तो उससे आपकी जो पुतली है उसमें दिक्कत हो सकती है, उसमें चोट लग सकती है, उसमें घाव बन सकते हैं, तो उससे और ज्यादा आपकी दृष्टि में भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अगर आपकी आंख में कुछ भी जाता है तो आपने अपनी आईज को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है। सो अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी आंख में कोई भी कण चला जाता है, बाहरी कचरा चला जाता है, तो उसको कैसे निकालें और उसका क्या तरीका है जो आसानी से आपकी आंख से निकल जाए। गाइस, जैसे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी बस वैसे ही कर लीजिएगा। अगर वो कर लेंगे तो आपकी आंख से वो कचरा निकल जाएगा। अगर आपकी आंख में कुछ भी गया, लाइक धूल मिट्टी गई है, या फिर बाहर से कुछ उड़कर आपकी आंख में मच्छर चला गया है या मक्खी चली गई है, तो आपने सबसे पहले फ्रिक्वेंटली ब्लिंक करना है। अगर आप बार बार पलके झपकेंगे तो क्या होगा, जो भी कण आपकी आंख से गया हुआ होगा वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए फ्रिक्वेंटली ब्लिंक करना बहुत जरूरी है। आपको बार बार झपकना है जिससे आपकी आंख में जितने भी जो कुछ भी आपकी आंख में गया है वो बाहर निकल के आ जाएगा। सेकंड क्या करना है, साफ पानी से अपनी आंखों को धुलना है। जब आपकी आंख में कुछ भी चला जाता है, धूल मिट्टी या फिर बाहरी कण कोई भी चला जाता है, तो आपने अपनी आईज को बहुत अच्छे से वॉश करना है। टैप वाटर से अपनी आईज को वॉश कीजिए, हल्के हल्के छपाकर डालिए आंख में। कम से कम 10 मिनट तक अपनी आंखों में पानी डालना है तो पॉसिबिलिटी है कि आंख में जो भी गया है वो आसानी से निकल जाए। थर्ड क्या करना है, आपने एक भरा हुआ टब लेना है या एक भरा हुआ बड़ा सा बाउल लेना है, उसके बाद अपने फेस को पानी के अंदर डिप करना है, देन अंदर जाकर पानी के आंखों को फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करना है। उसके बाद क्या करना है, अपनी आईज को रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ऐसे रोटेट करेंगे तो जो भी आपकी आंख में कण होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। फोर्थ क्या करना है, अगर आपको नजर आ रहा है कि कोई भी पार्टिकल आपके पुतली पर दिख रहा है या आपके सफेद पार्ट पर दिख रहा है, तो आपने क्या करना है, एक एयर बर्ड होती है, आप उस एयर बर्ड का यूज कर सकते हैं विद आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स। आपने क्या करना है, उस एयर ड्रॉप पे आर्टिफिशियल जो भी आई ड्रॉप है उसकी एक ड्रॉप डाल दीजिए, देन आप उसकी हेल्प से उस कड़ को निकाल सकते हैं। अगर वो कड़ बहुत ज्यादा गड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, तो उसे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी है। अगर नहीं निकल रहा है तो उसे ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपको दिख रहा है वो मूव हो रहा है तो आप उसकी हेल्प से वो निकाल सकते हैं। अपनी आईलेट्स को पलट कर देखना है। अगर आपको सामने से नजर नहीं आ रहा है कि आपकी आंख में कुछ नहीं है लेकिन आपको बहुत ज्यादा चुभन हो रही है, तो आपने एक बार लिट को ऊपर करना है, अपनी पलक को मोड़ के देखना है। अगर वहां पर भी पार्टिकल नजर आ रहा है तो उसी ईयरबड का यूज करके आप उस पार्टिकल को हटा सकते हैं। फिफ्थ क्या करना है, अपने गंदे हाथों का अपनी आंखों पे टच नहीं करना है। अगर आपके गंदे हाथ हो रहे हैं, इन्फेक्टेड आई हैंड्स हो रहे हैं, तो उन हैंड्स का अपनी आईज पर यूज नहीं करना है। गाइस, अगर आप ऐसे टच करते हैं आईज में तो वो गंदे हाथ आपकी आंखों में इन्फेक्शन कर सकते हैं और आईज की कंडीशन को और ज्यादा खराब कर सकते हैं। इसलिए गंदे हाथ से अपनी आईज को टच नहीं करना है। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो की और उसकी वजह से आपकी आंख से जो भी कण गया था वो निकल गया है, तो उसके बाद आपने एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का यूज करना है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी फॉरन पार्टिकल अगर आपकी आंख में जाता है तो वो इन्फेक्शन करने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपने एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स ले सकते हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन ले सकते हैं, उसकी एक ड्रॉप अपनी आंख में डाल लीजिएगा, तो इससे आपकी आंख में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। सो गाइस, आपने सारी चीजें फॉलो कर ली लेकिन आपकी आंख से वो कण नहीं निकल रहा है, आपकी आंख में काफी ज्यादा पानी बह रहा है, आपकी आंख लाल हो गई है लेकिन वो कण आपकी आंख में चिपका हुआ है, नहीं निकल रहा है, तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपने डॉक्टर को दिखाना है। नियर बाय कोई भी डॉक्टर होगा, आप उनके पास जाइए, प्रॉपर चेकअप कराइए, वो आपकी आंख से वो कण निकाल
देंगे एंड आपको आई ड्रॉप्स देंगे, वो आई ड्रॉप्स आपने डालनी होंगी। सो आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी आंखों में ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, बाय बाय।